हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम निमिषा पल्लवी और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं बात करने जा रही हूँ हाउ टू स्मेल गुड थ्रू आउट द डे। अगर इस सीक्रेट्स को जानना है तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परफ्यूम लास्ट लॉन्गर ऑन ऑयली स्किन। ये बहुत बहुतों को नहीं मालूम होगी, इसलिए जब भी आप तुरंत नहा करके आए तब आप परफ्यूम लगा सकती है, या नहीं तो जब आप मॉइस्चर अपने बॉडी में पूरे अच्छे से मॉइस्चराइजर को लगा चुके हैं तब अपने परफ्यूम को उसके तुरंत बाद लगाए। इससे क्या होगा कि परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और आप दिन भर अच्छे स्मेल करेंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैक है, जब भी परफ्यूम अपने पल्स पॉइंट में डालें, पल्स पॉइंट में लगाए, इससे वहाँ की स्किन बहुत ही ज़्यादा थिनेस्ट और वार्मेस्ट रहती है और ये आपके परफ्यूम को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। पल्स पॉइंट हुआ, जैसे विस्ट में हुआ, कानों के पीछे हुआ, एल्बो पे हुआ और नी के पीछे, इस जगह पे अगर आप लगाएंगे तो आपके परफ्यूम की स्मेल लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और जब भी आप परफ्यूम अपने विस्ट पे स्प्रे करते हैं तो जैसे ये मैं विस्ट पे स्प्रे की, इसे आपको डैब करना है, दोनों विस्ट को रब नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपकी परफ्यूम की फॉर्मूला ख़राब हो जाएगी और आपकी परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। आप कानों के पीछे भी लगा सकते हैं, नी पे भी लगा सकते, नी के पीछे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पल्स पॉइंट में लगाने से परफ्यूम की स्मेल बहुत देर तक बनी रहती है। और अपने बालों पर परफ्यूम को डायरेक्टली अप्लाई ना करें, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देती है। इसलिए आप जब भी आप परफ्यूम अगर अपने बालों में लगाना चाहते हैं तो परफ्यूम को अपने जैसे कॉम के ऊपर स्प्रे कर ले, इसके बाद जैसे परफ्यूम को कॉम के ऊपर स्प्रे कर ले, इसके बाद आप अपने बालों के ऊपर इसे कॉम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अल्कोहल की मात्रा आपको डायरेक्टली आपके बालों पर नहीं मिलेगी और आपके बाल जल्दी ड्राई नहीं होंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी परफ्यूम को हमेशा टू मच ऑफ ह्यूमिड वेदर में ना स्टोर करें, जहाँ पे स्टोर करें वहाँ डायरेक्ट सनलाइट की हीट नहीं आती हो, इससे आपकी फ्रेगनेंस की फॉर्मूला जो है वो कम हो जाएगी और परफ्यूम ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। इसलिए आप परफ्यूम को कोल्ड वेदर में, जहाँ पे भी डायरेक्टली सनलाइट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर नहीं है, वहाँ पे स्टोर करें। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सारे YouTube वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी कॉमेंट करें। ओके, टिल देन बाय, लव यू ऑल।